हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क मोड और लाइट मोड के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे आप ये फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस कोड ही यहां पर इस्तेमाल किया है, यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने पेजिनेशन का कस्टम हुक बनाया था। तो लाइट मोड और डार्क मोड की फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए सिर्फ आपको एक इफ एल्स की कंडीशन जो है ऐड करना है और उसके बाद में सीएसएस पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो है फ्रॉम द स्क्रैच कोड लिखकर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है आप कोई डिफरेंट सीएसएस की लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क यूज करें तो उसमें मेथड अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो है प्योर सीएसएस का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से मैंने यहाँ पर ये लाइट एंड डार्क की फंक्शनैलिटी को जो है यहाँ पर अचीव किया है। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे जो है ना लॉजिक बिल्ड करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास जो कंटेंट हो वो डिफरेंट हो। मेरे पास सिंपल क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट है और कुछ हेडिंग्स है, तो प्लेन टेक्स्ट है और एक पेजिनेशन का कंपोनेंट है। हो सकता है आपके पास इंटायर एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हो, कार्ड्स हो, इमेजेस हो, फिर आपको कुछ और भी चेंज करना है डार्क मोड पे, कुछ ग्रेश कलर में, बहुत सारे जो है यहाँ पर इफेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करना पड़ती है। तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप जो है ये फंक्शनैलिटी को जो है अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो कंटिन्यू करिए, या फिर आप यहीं से क्लोज करके भी जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो ये टॉगल का बटन है, तो ये मैंने W3 स्कूल से कॉपी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आप क्या करें, टॉगल स्विच अगर सर्च करेंगे W3 स्कूल का तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टॉगल स्विच के आइकन्स, कि आपको कौन सा टॉगल स्विच यूज करना है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें और ट्राई इट योरसेल्फ पर क्लिक करें और यहाँ से आप सिंपल कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कॉपी किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉपी करना है ना, तो बाकी के तीन जो है आप उसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से कट करके इसको रन कर लें तो सिंपल एक टॉगल हमारे पास बच जाता है। तो आप क्या करें, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और मेक श्योर इसको कन्वर्ट कर दे JSX में। तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ की है, देखिए ये लेवल है जो मैंने कॉपी किया है और उसको कन्वर्ट कर दिया है JSX में। अभी मैं इफ एल्स कंडीशन पे बाद में आता हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ कि UI कैसे क्रिएट किया है। तो ये टॉगल हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। हो सकता है अगर आप मटेरियल UI यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग से टॉगल का कंपोनेंट है, टेलविन में अलग है, एंड डिजाइन में अलग है, बूटस्ट्रैप में भी आपको स्विच का जो है मिल जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी में अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर स्विच को क्रिएट करने के। हो सकता है आप इसके बदले जो है मून या फिर जो है सन का यूज करें, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर प्योर CSS का यूज किया है, जिसकी मदद से लाइट एंड डार्क मोड में स्विच हो सकते हैं। तो आगे की फंक्शनैलिटी आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे से सारा का सारा कोड मैंने कॉपी कर लिया है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ से एज इट इज़ इसको कॉपी कर लिया है। क्योंकि इसमें क्या है, सिंपली जो क्लासेस है, जैसे कि स्विच है, इसकी पोजिशन यहाँ पर सेट की हुई, इसकी हाइट एंड विड्थ जो है ना यहाँ से सेट की हुई है, और ये इनपुट है, इनपुट को इसने चेंज किया है, ओपेसिटी 0, फिर विड्थ 0, हाइट 0 करके। फिर यहाँ पर स्लाइडर का एक क्लास ऐड किया है, जिसमें जो है यहाँ पर से आपको कलर वगैरह सब कुछ मिलेगा, और उसके बाद में थोड़ी सी और स्टाइलिंग, तो यहाँ से आप स्टाइलिंग जो है पढ़ सकते हैं। और राउंड इट के लिए यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 34 पिक्सल का जो है राउंडेड है, बिफोर एंड आफ्टर 50% यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो प्योर CSS है, तो हमने एज इट इज़ जो है ये स्विच कॉपी पेस्ट किया है। उसके आगे एक टेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने ऐड किया है, कंडीशनल बेस यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड किया है। जैसे कि मैं टॉगल करता हूँ तो ये डार्क में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि वापस करूँगा रिवर्स हो जाएगा लाइट में। तो इस तरीके से हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इफ एल्स को टर्नरी की मदद से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और सिंगल लाइन में हमारा सारा का सारा कोड भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं वापस कोड पे और इंडेक्स CSS में मैंने यहाँ पर देखिए और एक चीज ऐड की है, दो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस क्रिएट की है, एक है डार्क मोड और एक है लाइट मोड। तो जो भी आपको लाइट मोड में और डार्क मोड में चेंजेस दिख रहे हैं ना, इन्हीं क्लासेस की वजह से जो है दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं डार्क मोड में स्विच होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई होंगी, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर डार्क हो जाएगा, उसके बाद में फोर कलर जो कि फॉन्ट्स का कलर होता है वो ग्रेश कलर में हो जाएगा, और इसकी हाइट, और फिर ये ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम ले और इफेक्ट हमको कूल दिखे, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड किया है। इसी तरीके से हमने लाइट मोड में जो है ना इसका रिवर्स किया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो है रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे आपको डार्क में सारी चीजें जो है डार्क रखना है। तो जितनी भी डार्क से रिलेटेड स्टाइलिंग रहेंगी इस क्लास में आप ऐड कर सकते हैं।
और जितनी भी लाइट से रहेंगी रिलेटेड तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फिर लाइट एंड डार्क मोड की फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, app.js में देखिए सबसे पहले हमारा जो मेन कंपोनेंट है, तो ये रूट है हमारा, देख सकते हैं आप जो डिव है हमारा ये रूट पे है। तो इसको हमने एक क्लास ऐड की है, कौन सी क्लास, डार्क मोड। उससे पहले देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेट जो है क्रिएट की है, const dark mode and set dark mode। तो इसको हमने इनिशियली जो है फॉल्स करके रखा है, यानी कि नॉर्मली जो है लाइट मोड रहेगा, अगर यूजर की विश है तभी जो है वो डार्क मोड में इसको कन्वर्ट कर पाएगा। तो यहाँ से उसको हम क्या करने वाले, एक्सेस करेंगे। एक्सेस किसकी मदद से कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर की मदद से। तो टर्नरी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको बता रहे हैं डार्क मोड, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, इसके अंदर जो है डार्क मोड की क्लास को अप्लाई कर दो। तो जो भी हमने डार्क मोड की क्लास यहाँ पर बनाई है तो इसकी स्टाइलिंग जो है अप्लाई हो जाएंगी अगर ये डार्क मोड ट्रू है। अब ये बाई डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये फॉल्स है तो बाई डिफॉल्ट लाइट मोड है। तो एल्स की कंडीशन में हमने यहाँ पे ऐड किया है लाइट मोड। अब हमको क्या करना है, हमारे पास जो टॉगलर है, ये जो टॉगलर है इसके ऑन चेंज पर, क्योंकि ये इनपुट है ना, इनपुट पे हम क्या करते हैं ऑन चेंज इवेंट फायर करते हैं। तो इसके ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, यहाँ पर इसकी स्टेट को चेंज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इनपुट टाइप है, ये टाइप क्या है, चेकबॉक्स है, जिसमें हमने कुछ क्लासेस की मदद से इसको राउंड किया था। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट पे जो है काम कर रहे हैं। इसके अंदर एरो फंक्शन हमने पास किया और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेट डार्क मोड, जो डार्क मोड हमारे पास फॉल्स था अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली सेट क्यों नहीं कर रहे ट्रू फॉल्स, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ट्रू फॉल्स सेट करेंगे तो वो स्टक हो जाएगा। यानी कि अगर हम ट्रू कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर स्टिल डार्क मोड ही रहेगा हर टाइम पे, तो ये रिवर्स नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट डार्क मोड का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, जो भी यहाँ पर क्लिक होगा टॉगल पे उसका रिवर्स होता जाएगा हर टाइम। तो अभी डार्क है, लाइट हो गया, लाइट पे क्लिक करेंगे डार्क हो गया। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड किया है, तो यहाँ पे हमने एक लेबल ऐड किया है और इस लेबल के अंदर हमने अगेन टर्नरी एक्सप्रेशन का यूज़ किया है, जिसमें हम चेक कर रहे हैं अगर डार्क मोड ट्रू है तो यहाँ पे डार्क का टेक्स्ट शो करो और अगर फॉल्स है तो लाइट मोड का टेक्स्ट आप शो करो। तो बहुत सिंपल है, फिर भी ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कि कितनी लार्ज आपकी एप्लीकेशन है और कितना उसमें जो है आपको डार्क मोड में चीज़ें प्रोवाइड करनी है, क्योंकि इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारे पास सिंपल टेक्स्ट है तो इतना कुछ खास यहाँ पर आइडिया नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स जितना UI रहेगा उतना कॉम्प्लेक्स आपको लाइट और डार्क मोड में करने में आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन और आपके स्किल के ऊपर। ऑलरेडी सारा कोड मिल जाता है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस आपको जो है इसमें लॉजिक बिल्डअप करना है थोड़ा सा कि कैसे आप जो है कलर्स को जो है मैनेज कर पाए और जो हेडिंग्स को आपको चेंज करना है आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये प्योर CSS में हमने देखा, आप हो सकता है SAS यूज करें, बूटस्ट्रैप, मटेरियल UI, एंड डिज़ाइन, टेलविंड, तो इनमें जो है अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। अगर आपको कुछ भी नहीं आया तो बिंदास आप ये कोड लिख सकते हैं, एप्लीकेशन जो है सपोर्ट कर लेगा लाइट मोड और डार्क मोड को। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो GitHub पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोड को कंपेयर करें, अपने हिसाब से भी लाइट एंड डार्क मोड को एनेबल करने की कोशिश करें। सिंपल आपको एक इफ एल्स कंडीशन लिखना है जो कि हमने टर्नरी में यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से आप सिंपली इसको ट्रू एंड फॉल्स यानी कि एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ऑल्सो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।